जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी ऐसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ, और जैसा कि मैंने बोला था कि हमारा जो मास्क इंटरव्यू का है नया फ्लोर जो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए फ्रंटर्स के लिए बन रहा है वो अभी तैयार हो चुका है, ठीक है। और हायरिंग स्टार्ट है, जो फ्रेशर्स लोग जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उनकी अभी हायरिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आप लोग अभी जो है इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, और इंटरव्यू का जो टाइमिंग है इंशाल्लाह वो शाम 7 से 11 बजे तक है। तो इंटरव्यू के लिए जितने भी फ्रेश लोग हैं वो अभी आ सकते हैं, और सैलरी पैकेज जो है मेरे हिसाब से अभी 28 दे रहे हैं, ठीक है। बेसिक 28 है, और इसके बाद जो बोनस प्लान्स वगैरह होते हैं वही हैं सबके। तो फ्रंटर्स जो हैं, फ्रेशर्स लोग जो हैं, जो मतलब अभी न्यू हैं, तो वो अभी आ सकते हैं और आके इंटरव्यू दे सकते हैं, और इंशाल्लाह लग भी जाएंगे। तो जितना मतलब थोड़ी बहुत भी अगर इंग्लिश वगैरह समझते हैं तो अच्छा लगता है। जैसा मैंने वादा किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा जब हायरिंग स्टार्ट होगी फ्रेशर्स की, तो मैं अभी बना दी वीडियो, और अभी मैं इसको अपलोड भी करूँगा इंशाल्लाह, और साथ में आपके साथ शेयर करता हूँ ये वीडियो जो मैं अपलोड बना वीडियो में इसके बाद अटैच करूँगा, ठीक है। तो यह कि जिस जिसने भी भाई ने भी आना है वो मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। और मैंने जैसे कि हमेशा बताता हूँ कि कंपनी आपको कभी भी ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं यहाँ पे आपको रिहाइश और खाना पीना नहीं मिलता, रिहाइश और खाना पीना आपका अपना होता है। तो इस वजह से कोई भी अगर बता ये बात पूछा जाता है कि रिहाइश और खाना पीना इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में ये है कि रिहाइश और खाना पीना आपका अपना होता है। यहाँ पे हॉस्टल ज़रा अच्छे खासे हैं, आपको हॉस्टल में रिहाइश भी मिल जाती है, खाना पीना भी आपका यहाँ पर हो जाता है। तो इस वजह से आपने हॉस्टल वगैरह वाली भी वीडियोज़ अपने चैनल पर डाली हुई है, अगर आपने वो देखी है तो भी देख सकते हैं कि हॉस्टल में एक्सपेंस कितना होता है, खाने पीने का एक्सपेंस कितना हो जाता है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये है कि खाना पीना और हॉस्टल आपका अपना होगा, तो इसमें कंपनी आपकी कोई मतलब नहीं करती। तो इसलिए अगर किसी का ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन ना पूछें, अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूँगा और अपनी उसकी आई डी भी लिख दूँगा, क्योंकि आज लिंक मेरे आते हैं वो वहाँ पर काम नहीं करा, क्लिक करने से आप इंस्टाग्राम नहीं जा सकते। इस वजह से मैं अपनी आई डी डाल दूँगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम सर्च करके मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सबको जवाब दूँगा। मैं कमेंट सेक्शन में जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूँगा। मिलते हैं, तो अभी रेडी हो रहा है, तकरीबन हो चुका है, ठीक है। बस फिनिशिंग का काम चल रहा है, और इधर नेट का काम चल रहा है, थोड़ा ये नेट लगा रहे हैं इधर, और इधर कुछ जो दो चार रह गए हैं वो क्या कहते हैं स्टेशन रह गए हैं वो बन रहे हैं इधर। तो ये फ्रंटर्स का फ्लोर है, जैसे ही ये रेडी हो जाएगा उसके बाद फ्रंटर्स की हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। हायरिंग कभी भी स्टार्ट है, बस ये है कि उसके बाद बैठ के जाएंगे। ये हमारे जहीर भाई आ गए हैं। जहीर भाई कैसे हैं, कैसा लगा फ्लोर नया? देखिए हमारा नया फ्लोर बन रहा है। अच्छा, फ्रंटर्स के लिए बन रहा था ये, अभी तकरीबन रेडी हो चुका है, तकरीबन अभी गंदगी इधर पड़ी है, सफाई वगैरह होनी है, फिनिशिंग का काम चल रहा है, उसके बाद जो है चला मेरा टाइम हो गया ब्रेक का।